अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस जैसे कि हमने बताया कि ऑलरेडी डिफाइंड इन अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। जो ऑलरेडी सिस्टम पर बना बनाया हुआ रहता है, इसका हम लोग सिंपली यूज करने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग आज देखते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करके कि ये कैसे काम करता है और इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। यानी इसमें हम लोग को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी जो एक प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है सिंपली हम लोग उसका यूज करने का काम करेंगे, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस होगा, स्ट्रिंग का फंक्शंस होगा और भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को देखते हैं, ये काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एक चीज हम लोग याद रखना हमेशा, जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस मैथमेटिकल फंक्शंस है, ये फंक्शंस जो वैल्यू को रिटर्न करता है ये हमेशा डबल वैल्यू को रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। और अगर हम लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसको तो हम लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रिटर्न होता है वो हमेशा डबल वैल्यू होता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं कुछ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, हम लोग यूजर से इनपुट लेने का काम करेंगे, कुछ वैल्यू ABC 28 डॉट जावा सेव कर लिया, क्लास ABC 28 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARCS स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। अब यहाँ पर डबल हम लोग लेते हैं, एन लेते हैं, सी लेते हैं और एफ लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर एनी नंबर या इंटर एनी डेसिमल नंबर, जो भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पर एन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल ले लिया। अब C इक्वल टू मैथ डॉट CEIL सेलिंग, ये सेलिंग वैल्यू को बताएगा। और ये मैथ क्या है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो प्री डिफाइन एक ऑब्जेक्ट है। F इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, ये फ्लोर वैल्यू को बताने का काम करता है। अब चलो बच्चों हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेलिंग वैल्यू ऑफ प्लस एन एज प्लस सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फ्लोर वैल्यू ऑफ एन इज प्लस एफ, ठीक है। तो चलो हम लोग अब यहां पर देखते हैं सीलिंग और फ्लोर वैल्यू को कैसे प्रिंट करने का काम करते हैं इसको। तो यहां पर ये जो फंक्शंस CEIL सेलिंग और फ्लोर हम लोग लिखे हैं, इसको सिंपली हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को कॉल करने का काम कर रहे हैं। यानी ये फंक्शंस ऑलरेडी जावा के लाइब्रेरी में प्री डिफाइन किया हुआ, और इसके अंदर ये डिफाइन किया है कि इसके अंदर एक वैल्यू ओनली पास होगा, इसमें हम लोग दो वैल्यू यहाँ पर नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि ये डिफाइन। और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा या बाय डिफॉल्ट किस मोड में होगा, ये डबल टाइप का ही होगा। तो चलो अब हम लोग बच्चों इसको रन कराने का काम करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग जावा सी ABC 28 कंपाइल कर लेते हैं हम लोग, कंपाइलेशन हो रहा है। अब चलो हम लोग रन कराते हैं जावा ABC 28। अब चलो बच्चों हम लोग 6.23 लिए,
तो सेलिंग वैल्यू ऑफ 6.23 इज 7 यानी अबव नंबर उससे पूर्ण संख्या 6.7 के 73 से जस्ट 6.23 से जस्ट ऊपर पूर्ण संख्या कौन होगा 7 होगा। फ्लोर वैल्यू ऑफ 6.23 इसका बेस वैल्यू कौन होगा 6 होगा। तो ये हम लोग ने देखा कि यहाँ पर कि ये मैथ उसी तरह पाव SQRT ये सारे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड होता है और सिंपली उसको हम लोग कॉल करने का काम करते हैं। तो बच्चों हम लोग ने ये देखा कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस का हम यूज़ कैसे करते हैं और हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू क्या रिटर्न होता है इसके बारे में देखा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना